सिर्फ एक मिनट के अंदर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। कैसे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट नहीं हो रहा है, यानी कि जब आप प्राइवेट करने जा रहे हो तो शो कर रहा है दिस अकाउंट कांट बी प्राइवेट, तो उसका सोल्यूशन भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में आ चुका हूं और ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, तो हम इसे प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, बस इसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको ही फॉलो करना है तो आप मुझे इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। तो यहां पे मैंने एक फ्रेश अकाउंट बनाया हुआ है जिसका नाम है योर क्लासी मैन करके एक अकाउंट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। तो यहां पे एक फॉलोइंग है जो कि मैंने अपने आप को ही फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम यहां पे प्राइवेट करते हैं। तो देखो, प्राइवेट का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं। जस्ट आपको क्या करना है कि यहां तीन लाइंस दिख रही है ना ऊपर राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे, जिसे हम मेन्यू बार भी कहते हैं, उस पे क्लिक करना है। और यहां पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट क्यों करना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना क्या रीजंस है। और एक और सजेशन ये कि ये वाली वीडियो किसी और फोन में चला लो, मेरे साथ-साथ ये स्टेप्स करते जाओ, आप बहुत इजीली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर सकेंगे। और अगर आप लोग मेरे साथ साथ ये स्टेप्स कर रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस जरूर से लिख देना, तो मुझे पता लग जाएगा कि इतने सारे लोग मेरे साथ साथ ये स्टेप्स कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जस्ट इस तरीके से यहां पे स्क्रॉल करना है एंड यहां पे हमें जस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है अकाउंट प्राइवेसी, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहां पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना, ये देखो यहां पे प्राइवेट का ऑप्शन आ गया, मैंने क्लिक करा, बट यहां पे शो कर रहा है बिजनेस अकाउंट्स कांट बी प्राइवेट, लेकिन सॉल्यूशन इसके नीचे ही लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इफ यू वांट टू मेक योर अकाउंट प्राइवेट फर्स्ट स्विच बैक टू पर्सनल अकाउंट। तो अभी क्या है ना, जो हमारा अकाउंट है वो अभी एक प्रोफेशनल अकाउंट है और प्रोफेशनल अकाउंट प्राइवेट हो ही नहीं सकता है। चाहे आपका बिजनेस अकाउंट हो चाहे क्रिएटर अकाउंट हो, ये अकाउंट डायरेक्टली प्राइवेट नहीं होते हैं। इसके लिए आपको पहले स्विच बैक टू पर्सनल अकाउंट करना होता है, यानी कि आपको अपने प्रोफेशनल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट करना होता है। तो कैसे करते हैं, चलिए सबसे पहले हम वो जानते हैं। तो यहां पे हमें उसके लिए क्या करना है, यहां से जस्ट इस तरीके से स्क्रॉल करना है। तो यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो यहां पे शो करेगा बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल, ठीक है। तो मेरा तो क्रिएटर अकाउंट है इसलिए यहां पे क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल आ रहा है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद हमें जस्ट स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहां पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्विच अकाउंट टाइप, इस पे क्लिक कर देंगे। तो यहां पे मुझे ऑप्शन आ रहा है स्विच टू बिजनेस अकाउंट, तो हमें तो भाई बिजनेस अकाउंट करना नहीं, हमें पर्सनल अकाउंट करना है, तो हमें सेकंड ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे, लेकिन यहां पे आपको पर्सनल अकाउंट करने से पहले कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर आप अपना पर्सनल अकाउंट करेंगे तो क्या होगा, व्हेन यू स्विच बैक टू पर्सनल अकाउंट इन ऐप इनसाइड विल बी टर्न ऑफ, यानी कि जो आपकी इनसाइट्स थी, पूरा डेटा था कि कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, ये सारा डेटा चला जाएगा। फ्रॉम योर ऑल कंटेंट इंक्लूडिंग योर एड्स विल बी परमानेंटली रिमूव। अगर आपने किसी पोस्ट को बूस्ट कर रखा होगा, यानी कि आपने इंस्टाग्राम पे एड्स चलाए होंगे, तो वो भी वहां से हट जाएंगे, क्योंकि जो आप एड्स चलाते हैं उनका डेटा आपके पास होता है, वो भी सारी चीजें हट जाएंगी। यू विल ऑल्सो लूज एक्सेस टू मेटा बिजनेस टूल लाइक मेटा बिजनेस सूट एंड एड्स मैनेजर। तो ये सारी चीजें जो आपके एड्स मैनेजर वगैरह है, वो सारी चीजें हट जाएंगी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से जान लेना है, अगर आपका इंपॉर्टेंट डेटा है तो इस चीज को पहले पढ़ लो, और अगर आपके पास कोई डेटा है तो उसको पहले तो रिकवर कर लो, या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो कहीं लिख लो, उसके बाद स्विच टू पर्सनल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो अब जो हमारा अकाउंट है ना, वो पर्सनल अकाउंट यहां पे हो जाएगा। ये देखो पर्सनल होगा, प्राइवेट नहीं होगा। प्राइवेट का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसलिए भागना मत वीडियो की, अरे यार भाई ट्रिक तो पता लग गई अभी भाग जाता हूं। और आप लोग यही मिस्टेक करते हो, फिर बाद में कमेंट करते हो भाई वीडियो समझ में नहीं आई, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, ठीक है। अब यहां पे हम प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाते हैं और आप यहां पे देखोगे अब हमारा अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। पहले यहां पे हमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड देखने को मिल रहा था। प्रोफेशनल डैशबोर्ड का मतलब इनसाइट्स होता है, जिसके जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कितने लोगों ने आपको फॉलो करा है, किस जगह से फॉलो करा है, कितने लड़कों ने फॉलो करा है, कितनी लड़कियों ने फॉलो करा है, किस सिटी से किया हुआ है, कहां कहां आपकी रील जा रही है और क्या आपका बेस्ट टाइम है रील डालने का, ये सारी चीजें पता लगती है। और इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, तो अगर आपको जानना है प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या होता है, वो वीडियो देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगी या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अब हमें इसको प्राइवेट करना है, तो जस्ट हमें प्राइवेट करने के लिए क्या करना है, इस तरीके से यहां पे मेन्यू बार पे क्लिक करना है, देन अकाउंट प्राइवेसी में चले जाना है यहां पे, और इसको इस तरीके से प्राइवेट कर लेना होगा। लेकिन यहां पे आपको जानना कुछ चीजें जरूरी है। जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट करोगे, ओनली योर फॉलोअर विल बी एबल टू सी योर फोटोज एंड वीडियोस। तो अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट करोगे तो क्या होगा कि जो आपकी फोटोज और वीडियोस है वो सिर्फ आपके फॉलोअर्स देख पाएंगे। पहले क्या हो रहा था, कोई भी आके देख जा रहा था, लाइक कर पा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, जिन लोगों ने आपको फॉलो किया है ना, वही लोग आपके फोटोज एंड वीडियोस को लाइक कर पाएंगे। दिस वॉन्ट बी चेंज हु कैन मैसेज टैग और मेंशन यू, बट यू वॉन्ट बी एबल टू टैग पीपल हु डोंट फॉलो यू, यानी कि जिन्होंने आपको फॉलो नहीं किया हुआ है वो आपको टैग भी नहीं कर पाएंगे। एंड यहां पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप रीड कर सकते हो,
प्राइवेट करने से पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जोश जोश में कुछ चीजें कर लेते हैं और बाद में रिग्रेट होता है, तो आप इसे पढ़ सकते हो, बट मैंने आपको बेसिक्स एक्सप्लेन कर दिया है। देन आपको स्विच टू प्राइवेट अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है ना वो प्राइवेट हो गया। कैसे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे यूजर नेम के ऊपर ताले का आइकॉन दिख रहा है, मतलब जिसको हम लॉक बोलते हैं, तो यानी कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे अकाउंट से जाके आपको सर्च करके भी बता देता हूँ। ये देखो योर क्लासी मैन हम सर्च करेंगे, योर क्लासी मैन, ठीक है। यहाँ पे जीमेल नहीं करना हमें सर्च, सिर्फ योर क्लासी मैन करना है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। अब यहाँ पे हमें अकाउंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा ये, ये देखो ये यहाँ पे मैं गया और ये देखो ये अकाउंट प्राइवेट है, हम इसकी फोटोज वीडियोस कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो कॉमेंट सेक्शन में यस जरूर से लिख देना, क्योंकि आपके कॉमेंट से ही नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दो, ताकि फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।